साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी। तो भूकंप से नेपाल में 150 लोगों की मौत हो चुकी है, बिहार में 15 लोगों की जान जा चुकी है, पूर्वी चंपारण में 4, पश्चिम चंपारण में 3, सीतामढ़ी में 3, दरभंगा में 2 और शिवहर में 1 की मौत की खबर मिल रही है। तो वही उत्तर प्रदेश में भूकंप के चलते 3 लोगों और बंगाल में 3 लोगों की मौत हुई। और अगर ये आंकड़ा मिला ले तो ये आंकड़ा मिलकर 20 हो जाता है, यानी कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर भूकंप से 20 लोगों की मौत हुई है। नेपाल में 114 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, भारी नुकसान नेपाल में हुआ है। तो दिल्ली समेत उत्तर भारत भी इसकी चपेट में आया है, पूरा उत्तर भारत और नेपाल के आसपास का इलाका भूकंप से हिल गया है। आपात बैठक इस वक्त हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, भूकंप के बाद के हालात की समीक्षा के लिए, जिसमें आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो राज्य प्रभावित हुए हैं उनकी मदद की जाएगी, तो नेपाल की मदद की भी बात कही गई है। ये वो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां से जानकारी मिली है। बिहार में 15 लोगों की मौत की खबर मिली है, तो यूपी के बाराबंकी में 3 लोगों की मौत की जानकारी मिली है। नेपाल में आपको बता दें कि मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव नेपाल में हुआ है। भूकंप का केंद्र ही नेपाल के काठमांडू से 75 किलोमीटर दूर लामबुंज में बताया जा रहा है। तो पूरा उत्तर भारत और नेपाल के आसपास के इलाके भूकंप से बुरी तरह से प्रभावित हो गए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल रहा और यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में भी भूकंप की वजह से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, भूकंप से किस तरह से हिंदुस्तान हिला। अभी भी लोग दहशत में हैं, अभी भी लोग अपने घर के बाहर ही हैं, अपने घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि डर है इस बात का कि कहीं दोबारा भूकंप ना आ जाए। क्योंकि एक के बाद एक जो दो झटके आए हैं उसने लोगों के दिलों को भी हिला करके रख दिया है। ये दो तस्वीरें देखिए, नेपाल में जिस तरह से भारी तबाही हुई है, मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, राहत और बचाव कार्य जारी है, लोगों को जो लोग मलबे में दबे हुए हैं इनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं घायलों को काठमांडू के अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया जा रहा है। नेपाल की मशहूर धरहरा मीनार भी गिर गई है। भूकंप से नेपाल में 114 लोगों की मौत की खबर आ रही है, राहत की टीम मौके पर है, लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तो मशहूर धरहरा मीनार ये एक टूरिस्ट प्वाइंट है जहां पर बड़ी तादाद में लोग इस मीनार को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन आज जब वो गए तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं था कि ये इमारत इस तरीके से भूकंप की भेंट चढ़ जाएगी। ये मीनार जो भूकंप में पूरी तरीके से धराशाही हो गई है, ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसको देखने के लिए लोग पहुंचते थे, लेकिन अब मलबे में तब्दील हो चुकी है ये मीनार। जो लोग दबे हुए हैं इनको निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, हालांकि कितने लोग दबे हैं इसका अनुमान अभी तक लग नहीं पाया है। तो ये देखिए, ये मीनार जो जिसका नामो निशान ही अब इस भूकंप की चपेट में आकर बचा ही नहीं है। नेपाल में भूकंप का केंद्र था, यहां पर कई इमारतों के गिरने की खबर है। नेपाल में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, कई पुराने मंदिर हैं जो बिल्कुल धराशाही हो चुके हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें चूंकि जो जगह है वो कीर्ति नगर और पोखरा है, पोखरा के पास ही पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, लेकिन मंदिर को किस तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 114 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। नेपाल से राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, जो लोग फंसे हुए हैं मलबे में हैं, दबे हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसका असर भारत में भी देखा गया, दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस भूकंप के झटके से कई जगह नुकसान की खबर आई है। और वही अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में भूकंप से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिये ये 5 तस्वीरें हैं आपके सामने, नेपाल में किस तरीके से भूकंप आया और जो केंद्र था वो नेपाल था, लेकिन जो असर है वो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में देखने को मिला। ये 5 तस्वीरें हैं, जिस वक्त ये भूकंप आया लोग फौरन अपने घरों से बाहर आए, अपने दफ्तरों से बाहर आए और एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया था। अनुराग चड्ढा इस वक्त हमारे साथ
जुड़ चुके हैं जो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं। अनुराग, इस अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी मुझे जानकारी मिली है कि जो गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है वहां से भारत का एक विशेष विमान नेपाल के लिए रवाना होगा और जो राहत सामग्री है, इसके अलावा जो सुरक्षा जवान है, जो लोग मलबे में दब गए हैं उनको निकालने के लिए, इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण चीजें लेकर ये विमान रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स को ये आदेश दिया है कि तत्काल यहां से एक प्लेन रवाना हो। इसके अलावा और भी कई प्लेन यहां से शाम तक रवाना हो सकते हैं, कई हेलीकॉप्टर्स यहां से रवाना हो सकते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के कई नेताओं से बात की थी, वहां के राष्ट्रपति से बात की थी, तो उसके बाद भारत हर संभव प्रयास कर रहा है नेपाल के लिए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने 3 बजे बैठक बुलाई थी, आपात बैठक, उसमें कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। यूपी की बात करें तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी तमाम अफसरों को निर्देश दिए कि जहां जहां भूकंप की वजह से हादसा हुआ है वहां पर अफसर तत्काल पहुंचकर कार्रवाई करें। इसके अलावा अगर हम एनसीआर की बात करें तो यहां पर कोई भूकंप से बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, हल्की फुल्की दीवारें जरूर चटकी हैं, दरारें आई हैं, लेकिन यहां पर जो अफवाहों का बाजार है वो बहुत बड़े स्तर पर श्वेता गर्म है। कई जगह भगदड़ हुई है, लोग घायल हुए हैं, तो अफसर फिलहाल सोशल साइट पर। अच्छा अनुराग, ये जो आप बता रहे हैं कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से विमान रवाना होगा राहत सामग्री को लेकर, ये कितने देर में रवाना होगा? देखिए, मुश्किल से आधा घंटे के अंदर ये विमान रवाना हो जाएगा। जैसे ही हिंडन एयरबेस स्टेशन पर इसकी इन्फॉर्मेशन आई कि यहां से एक विशेष विमान नेपाल की तरफ जाएगा, क्योंकि हिंडन एयरबेस पर तमाम तरह की जो राहत सामग्री से के उपकरण होते हैं वो वहां मौजूद रहते हैं, खाद्य सामग्री हर समय वहां पर रहती है, तो आधे घंटे में जो विशेष प्लेन है नेपाल के लिए रवाना हो जाएगा। और भारतीय सैनिकों का एक विशेष जो प्रतिनिधि दल है वो भी नेपाल के लिए रवाना होगा और शाम तक और भी कई जो स्पेशल प्लेन्स हैं वो नेपाल तक रवाना हो सकते हैं। जी यानी कि एक तरीके से कहें जो एक कोशिश है भारत की तरफ से नेपाल को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने की, उसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आधे घंटे में एक विमान रवाना होगा राहत सामग्री के साथ। अच्छा अनुराग, मुझे एक और बात बताइए, जिस तरह से हम नुकसान की लगातार बात कर रहे हैं, क्या गाजियाबाद इसके आसपास नुकसान की कोई खबर आप तक पहुंच पाई है? देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर जो छोटा मोटा नुकसान है वो तो यहाँ हुआ है, क्योंकि जो एनसीआर के बिल्डर हैं वो क्वालिटी बेस्ड काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो भूकंप आया तो दीवारों में हल्की हल्की जो दरारें हैं वो पड़ गई हैं, कुछ छोटी बिल्डिंगों के गिरने की भी खबर है। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि वो बिल्डिंग भूकंप के झटकों से ही गिरी है, लेकिन कुछ एनसीआर की जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनमें जरूर इस तरह की खबर मिली है कि दरारें आई हैं। अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दरारें जो हैं भूकंप के झटके से ही आई हैं या फिर पहले से ये दरारें थी। जैसे कि श्वेता, मैंने आपको पहले बताया कि एनसीआर में जो अफवाहों का बाजार है बहुत ज्यादा गर्म है, और ये बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि यहां पर हाई राइज बिल्डिंग का कल्चर बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो डर है वो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले लोगों के दिलो दिमाग के अंदर है। बिल्कुल, आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी अनुराग। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। नेपाल में भूकंप से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, भूकंप से अब तक 449 लोगों की मौत हो चुकी है। जो आंकड़ा 114 था वो बढ़कर 449 हो चुका है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। कितनी तीव्रता थी इस भूकंप की, साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब ये आंकड़ा बढ़कर, रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है, बढ़कर 449 हो चुका है। ये देखिए कानपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भूकंप से किस तरह का नुकसान यहां पर हुआ है। एक इमारत जो गिर गई है, इस तरह की हालांकि कई तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं। अनुराग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, मुझे एक बात बताइए कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी भी जैसा आप बता रहे हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग बहुत ज्यादा दहशत में थे, अपने घर पे नहीं जा रहे थे, उनको बहुत डर था कि कहीं फिर से इस तरह का भूकंप ना आ जाए। इस स्थिति से लोग बाहर आए हैं कि नहीं? देखिए श्वेता, फिलहाल तो लोगों में राहत है क्योंकि आधा घंटे के अंदर 2 बार
भूकंप के झटके उन्होंने महसूस किए और जो भूकंप के झटके थे उनका अंतराल भी बहुत ज्यादा लंबा था, 40 से 50 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। उसके बाद मौसम विभाग ने जिस तरह की बात कही कि तीसरा झटका भी आ सकता है, तो लोगों में बहुत ज्यादा पैनिक फैल गया। लोग अपने अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। आमतौर पर जो एनसीआर में मॉल कल्चर है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां से लोग बाहर आ गए, लेकिन जब 3 बज गए और उसके बाद किसी तरह कोई झटका नहीं आया तो लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन सभी की निगाहें देश के उन हिस्सों पर जरूर लगी हुई है जहां पर भूकंप ने लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। नेपाल में जिस तरीके का ये हादसा हुआ है सभी लोग इस हादसे पर दुख जता रहे हैं और इसी कारण जो लोगों के दिलों दिमाग में दहशत है वो बहुत ज्यादा है और अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि झटका नहीं आ सकता। उनका कहना है कि जो भूकंप के झटके हैं वो आ सकते हैं और उनका रिएक्टर रेट भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसे में लोगों को समझाने की जरूरत है कि लोग अपने दिल दिमाग से इस तरह की बातें निकाल दें। अब जो होना था वो हो गया और जब भूकंप आता है तो कभी किसी को बताकर नहीं आता। ये जो आज भूकंप आया है इसके बारे में ना तो किसी जो मौसम अनुमान नहीं लगाया जा सकता है इसका। सभी हमसे थोड़ी देर पहले मौसम वैज्ञानिक भी बातचीत कर रहे थे कि इस तरीके से अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ एक आशंका जरूर व्यक्त की जा सकती है। चलिए अनुराग, हम पल पल अपडेट लेते रहेंगे, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त कानपुर से मेरे संवाददाता ब्रजेश जुड़ चुके हैं, लखनऊ से अभिषेक जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, अभी क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, अपडेट क्या है आपके पास? जगह से लगातार खबरें आ रही हैं कि कई जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी वो क्रैक कर गई हैं। सिविल लाइन्स इलाके का जो है योग टावर है और संगीता अपार्टमेंट, इनको बंद कर दिया गया है क्योंकि इनके जो पहला माला है वहां पर कुछ दीवारें क्रैक होने की जो है आशंका जताई जा रही, जिसके चलते उसको बंद कर दिया गया है, वहां से लोगों को बाहर करने की जो है कोशिश की जा रही। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लेकर के कई ऐसी जगह है जहां पर हाई राइज बिल्डिंग के क्रैक होने की खबरें लगातार आ रही हैं। कानपुर देहात में हादसा हुआ ही जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। इसी तरीके से जो कानपुर साउथ घाटमपुर का इलाका है वहां से भी एक खबर आ रही है कि एक मकान जो धस गया है जिसमें एक लोगों के दबे होने की संभावना है। तो इस तरह से कई अलग अलग उससे खबरें आ रही। हाँ, वो अलग बात है कि प्रशासन इन खबरों की पुष्टि नहीं कर रहा है, ऐसे में अभी ये कह पाना मुश्किल है कि आखिर इन खबरों में कितनी सच्चाई है। लेकिन जहां अफवाहें अपने सबाब पर हैं वहीं पर एक के बाद एक खबरें आ रही हैं कि इस तरह से निकल के आ रही हैं कि इससे नुकसान का खासा हुआ। लेकिन बावजूद उसके हम ये भी कहेंगे कि जितनी ज्यादा तीव्रता थी उस हिसाब से देखा जाए तो नुकसान कम से कमतर हुआ है, खास करके जानमाल का नुकसान तो जो है ना के बराबर हुआ है। तो निश्चित रूप से जो है जो पैनिक है वो बहुत ज्यादा है, समस्याएं हैं। जो पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में बहुत सारा इलाका ऐसा है जो पुराने कानपुर के रूप में जाना जाता है और वहां पर जो है सैकड़ों सालों पुरानी बिल्डिंगें हैं, उन बिल्डिंगों में क्रैक आने की जो है खबरें लगातार आ रही हैं। तो नुकसान तो हुआ है लेकिन उसके बाद नुकसान से ज्यादा अफवाहें हैं और अफवाहों को लेकर के लोगों में ज्यादा पैनिक है। जी चलिए अभिषेक का भी रुख कर लेती हूं लखनऊ से। अभिषेक, क्या अपडेट है अभी आपके पास? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर भारत समेत पूरा भारत एक तरह से कह सकते हैं कि खुशनसीब है कि इस प्राकृतिक आपदा से कोई भी बड़ी जान माल की हानि यहां पे नहीं हुई है और ऐसे ही कुछ हालात लखनऊ में भी है। यहां भी किसी बड़ी घटना की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, हालांकि छुटपुट घटनाओं की खबरें लगातार मिलती रही है। मॉडल हाउस में एक दीवार गिरी है पुराने लखनऊ में, कई कई इलाकों में दीवार गिरने की जो घटना है वो सामने आई है, लेकिन किसी भी बड़ी हानि की यहां पर अभी तक कोई खबर नहीं है। जैसा कि हमारे बाकी संवाददाताओं ने बताया कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें क्रैक्स आने की जो सूचना है वो मिली है, या ऐसा लखनऊ के भी बाकी कुछ बड़ी बड़ी इमारतों में भी इसकी सूचना है, लेकिन आधिकारिक तौर पे इसकी किसी की पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर लोगों के जीवन स्तर की बात की जाए तो वो सामान्य धीरे धीरे हो रहा है, हालांकि लोगों के मन में अभी भी दहशत है क्योंकि सुबह जो लगातार जो झटके आए थे उन्हें महसूस करने के बाद लखनऊ वासियों के मन में अभी भी ये बात घर कर गई है कि भूकंप के झटके फिर आ सकते हैं। तो लोग एहतियात बरतते हुए सजग हैं और तैयार अपने आप को रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह की घटना और इस तरह की सूचना नहीं मिली है, लेकिन तैयारी यहां लोगों ने पूरी कर रखी है। और अगर लखनऊ की बात की जाए तो खुशनसीबी है कि अभी तक यहां कोई भी बड़ी घटना सामने नहीं आई है। श्वेता, चलिए अभिषेक बने रहिए हमारे साथ, ब्रजेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आपके जरिए हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो आपको बता दें कि नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 449 हो चुका है, रॉयटर्स के हवाले से यह खबर आ रही है। वहीं कई इमारत बुरी तरीके से नुकसान उनको भी पहुंचा है, नेपाल में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस नुकसान का अंदाजा जिस तरीके से
मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, डैमेज हुई हैं बिल्डिंग्स, मीनार तक गिरी है, धरहरा मीनार भी पूरी तरीके से गिर चुकी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां तक कि काठमांडू में मोबाइल सर्विस पर भी भूकंप का असर पड़ गया है। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। तो वही नेपाल के प्रसिद्ध जनकपुर मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है, जैसी जानकारी मिल रही है। और हमारे साथ कानपुर से ब्रजेश बने हुए हैं, लखनऊ से अभिषेक बने हुए हैं। ब्रजेश, मुझे ये बताइए कि हम नुकसान की बात यहां कर रहे हैं, लेकिन बहुत अहम पहलू ये है कि लोग अभी भी क्या वहां पर दहशत में हैं, क्योंकि जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि कार्डियोलॉजी में एक दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे थे हाइपरटेंशन के पेशेंट से दहशत की वजह से। श्वेता, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से अगर दहशत की बात की जाए तो दहशत अभी भी लोगों के दिमाग में है। अभी कुछ देर पहले कुछ बच्चे हमसे सवाल कर रहे थे कि क्या जो है अभी भूकंप आएगा या नहीं आएगा। उन मासूम बच्चों को शायद ये नहीं मालूम है कि भूकंप से क्या नुकसान और क्या नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनके दिमाग में एक दहशत है कि कहीं एक बार फिर ना आ जाए। मैं आपको बता दूं कि इसी दहशत की वजह से तमाम लोग आज दोपहर बाद से, जब से भूकंप आया तब से अपना घर बार छोड़े हुए हैं। कोई नदियों के किनारे, गंगा के किनारे इस समय जो है काफी बड़ी तादाद लोगों की दिखाई देती है। जो कानपुर के पार्क हैं, उन पार्कों में इस समय लोग जो है पिकनिक के तौर पर, क्योंकि मजबूरी में ये सही, डर की वजह से ये सही, लेकिन पार्कों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोई भूकंप आता है, अगर कोई जो है कैजुअल्टी होती है, तो कम से कम इससे हमें एक राहत मिल सकती है। तो इस वजह से आज पार्क गुलजार हैं सारे, गंगा के किनारे इस चिलचिलाती धूप में भी लोग धूप में बैठना गवारा समझ रहे हैं अपने घर में रहने की अपेक्षा। तो दहशत तो बेपनाह है। इसके साथ ही जो हमारे कार्डियोलॉजी के डॉक्टर से बात हुई कि लगातार एक हमें ओपीडी में बैठने के निर्देश दे दिए गए कि आप लोग ओपीडी में लगातार बैठिए, क्योंकि लोग पैनिक की वजह से, दहशत की वजह से अस्पतालों को रुख ज्यादा करेंगे और दो घंटे में एक दर्जन से ज्यादा मरीज आए जो हाइपरटेंशन और खाली हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। तो जिनको समझाया गया, उसके बाद फिर उनको दवा देकर घर वापस भेजा गया। तो दहशत तो हर तरफ है, लोग परेशान है, और खास करके जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें सबसे ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है, इस समय समय समझाने की जरूरत है कि इसमें दहशत की नहीं, इसमें सजग रहने की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि कितनी इमारतें जो दरारें आ गई हैं, जिनकी जिनमें भूकंप की वजह से प्रभावित हुई है, भूकंप की वजह से। जी देखिए, अगर हम बड़े नुकसान को छोड़ दें तो कम से कम अगर कानपुर की बात करें तो दो दर्जन से ज्यादा ऐसी हाईराइज बिल्डिंग्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं पर क्रैक्स हुए हैं। ऐसे तमाम पुराने मकान हैं, जो पुरानी इमारतें हैं, जो जिनकी 50 साल से ऊपर की तमाम इमारतें कानपुर में हैं, क्योंकि पुराने कानपुर में एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है इमारतों की, जो है वो क्रैक्स हुई है जो है। तो अभी सीधे तौर पर कोलैप्स नहीं की है, वो अलग बात है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो लगभग दो दर्जन से ज्यादा हाईराइज बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, जो क्रैक्स आ गए हैं उनमें, और वो कभी भी उनमें बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारी सारे एसीएम्स को तैनात कर दिया गया है अलग अलग इलाकों में कि अपने इलाकों में जानकारी लीजिए, अगर कहीं भी कोई इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उनको पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे अधिकारियों के साथ उनको तुरंत सॉल्व आउट कीजिए। तो प्रशासन तैयार है, आम आदमी जागरूक भी है, सजग भी है, बावजूद उसके दहशत में है, खौफ में है, उसे लगता है कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। आप तो बने रहिए ब्रजेश हमारे साथ, अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये बताइए कि वहां पर कितनी, जैसा भी आप बता भी रहे थे, कई जगह पर डैमेज हुई हैं इमारतें, उनमें दरारें आज का आ गई हैं, लेकिन बहुत अहम सवाल ये है, जैसा ब्रजेश भी कह रहे हैं कि लोग चिलचिलाती गर्मी में बाहर बैठने को तैयार है, लेकिन घरों में वापसी नहीं करना चाहते हैं। क्या अभी भी हम कहें लखनऊ में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल श्वेता, चूंकि लखनऊ वासियों के लिए पहला मौका है जब इस तरह के भूकंप के झटके उन्होंने अपने शहर में महसूस किए हैं, और जिस तरह से नेपाल में जो तादाद है, आंकड़ा जो है मृतकों का, वो बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को भी दहशत का आलम उनके अंदर छा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जहां तक इमारतों की बात की जाए तो हाई राइज बिल्डिंग्स में क्रैक्स की बात बिल्कुल सही है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर इस तरह के क्रैक्स देखने को मिले हैं, और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो लोग अपने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कहने के दिमाग में अभी भी ये आलम है, अभी भी ये बात है कि कहीं दोबारा से ऐसे झटके ना जाए, कहीं वो इसमें फंस ना जाए, तो वो एहतियात के तौर पर अपनी तैयारी के साथ हैं। ज्यादा तो लोग बाहर भी रह रहे हैं, बार बार घरों से अंदर, घरों से बाहर, इस तरह का उनका बेचैनी और अफरा तफरी का माहौल अभी भी बना हुआ है, यानी कि अभिषेक अभी भी लोगों के दिलों में ये जो डर है ये बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए अभिषेक बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रजेश आपका भी पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।